कक्षा 10 विज्ञान पाठ 9 प्रकाश के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। देखिए जैसे कि संरचना या चित्र बना हुआ है उसमें हम समझेंगे कि मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से होते हैं, जिनके साइड में नाम भी लिखे हैं, प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं और वो काम क्या करते हैं उसके बारे में भी हम आज विस्तार से समझेंगे और साथ में ही इसके बाद हम पढ़ेंगे नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें मानव नेत्र नामांकित चित्र में सबसे पहले बात करते हैं मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसके ठीक ऊपर और नीचे दो पलक होती है, ऊपरी पलक और निचली पलक, बीच में नेत्र तारा और बीच में ही जलीय द्रव्य भरा रहता है। जो साइड वाली मांसपेशी संरचना होती है अपारदर्शी वो होती है परितारिका। नेत्र तारा आयरिस यानी उसी के छोटे सूक्ष्म छिद्र को कहते हैं। साइड में देखने पर यहाँ जो पक्षमावी पेशियाँ हैं इन पक्षमावी पेशियों के बीच में एक नेत्र लेंस रहता है। मध्य भाग जो होता है वो काचाभ द्रव्य जो कि पोषण और रक्षा प्रदान करने का काम भी करता है। उसके बाद में ये दृष्टिपटल यानी कि रेटिना होता है, पीत बिंदु और ये द्रक तंत्रिका कोशिका जिसके कारण से सुग्राही कोशिकाओं का समावेश होता है। इसमें सुग्राही कोशिकाएं होती है जो संकेत मिलने पर विद्युत सिग्नल या अन्य संकेतों को स्टार्ट करती है या आगे प्रवाहित करने का काम करती है। लेंस, काचाभ द्रव्य, दृष्टिपटल, पीत बिंदु और द्रक तंत्रिका, ये है नामांकित चित्र मानव नेत्र का। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव नेत्र का प्रमुख अंग है पहला भाग यानी कि श्वेत पटल। नेत्र के चारों ओर यह बना हुआ होता है जैसे कि आप दुप चित्र के अनुसार देख सकते हैं। श्वेत पटल जिसे स्क्लेरा भी कहते हैं नेत्र के चारों ओर का बना हुआ एक सुरक्षा कवच भाग होता है जो अपारदर्शक होता है, सफ़ेद रंग का होता है इसलिए इसे श्वेत पटल कहते हैं। दूसरा भाग है जैसे कि आप देख रहे हैं कॉर्निया। कॉर्निया नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य, जैसे कि अभी आपने चित्र में भी देखा कॉर्निया जो है वो श्वेत पटल जो है ये श्वेत पटल गोलाकार भाग अपारदर्शी भाग सुरक्षा कवच का जो काम करता है उसका उभरा हुआ भाग जो है वो कॉर्निया कहलाता है जो पारदर्शी होता है। ये जो कॉर्निया वाला भाग है वो श्वेत पटल का ही एक उभरा हुआ भाग है जो पारदर्शी होता है। इसी पारदर्शी के कारण प्रकाश की किरणें अपवर्तित तो होकर नेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद है आइरिस यानी कि परितारिका। देखें नेत्र तारा के नीचे चित्र में यह कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी संरचना होती है ये भी, और इसका अधिकांश भाग जो होता है वो काला रंग का होता है। उसके बाद है प्यूपिल यानी कि पुतली नेत्र तारा। परितारिका के बीच वाले छिद्र को हम पुतली कहते हैं और ये जो परितारिका जो है उसके बीच वाले छिद्र को हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। जो काम क्या करती है, परितारिका जैसे ही समंजन करती है, सिकुड़ती या फैलती है तो उसके अनुसार पुतलियां भी अपना आकार कम या अधिक कर लेती है। उसके बाद में है नेत्र लेंस। जो नेत्र लेंस है जैसे कि दूसरे वाले भाग में आप देख रहे हैं यह पारदर्शी लचीला होता है और परितारिका के ठीक पीछे की ओर होता है यानी कि दूसरी साइड में होता है और अपने स्थान पर मांसपेशियों की सहायता से टिका रहता है या अपने स्थान पर रहता है। उसके बाद में है जलीय द्रव्य। जलीय द्रव्य जो होता है ये कॉर्निया और नेत्र तारा जो है या नेत्र लेंस जो है उनके बीच में जो भाग होता है वो द्रव्य रहता है और यह कॉर्निया व नेत्र तारा व अन्य भागों को पोषण प्रदान करने का काम भी करता है जलीय द्रव्य। उसके बाद में है रक्त पटल। नेत्र का वह भाग रक्त पटल कहलाता है जो सफ़ेद पटल या श्वेत पटल के ठीक नीचे होता है, झिल्लीनुमा संरचना होता है और इसका कार्य होता है कि रेटिना को यानी कि दृष्टिपटल को ऑक्सीजन प्रदान करना। जो रक्त पटल है वो रेटिना को ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है जबकि जलीय द्रव्य कॉर्निया वाले भागों को व अन्य भागों को पोषण प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद में है काचाभ द्रव्य।
दृष्टिपटल के बीच में ही ये काचाप द्रव्य रहता है। काचाप द्रव्य जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि ये नेत्र के रेटिना व लेंस के बीच में, रेटिना यानी कि दृष्टिपटल और लेंस जो होता है उनके बीच का रहता है। जैसे जो जलीय द्रव्य था जो हमने पढ़ा था वो कॉर्निया और तारा के बीच का द्रव्य भाग था, जबकि ये काचाप द्रव्य जो है वो लेंस और दृष्टिपटल के बीच वाले भाग में द्रव्य भरा रहता है, वो काचाप द्रव्य है, जिसका मुख्य कार्य भी सुरक्षा प्रदान करना और पोषण प्रदान करने का होता है। तो ये थे प्रमुख अंग नेत्र के, यानी कि मानव नेत्र की संरचना। और मानव नेत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो श्वेत पटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, नेत्र लेंस या जलीय द्रव्य, रक्तपटल, दृष्टिपटल और काचाभ द्रव्य। नोट करें, नहीं समझाए तो पूछें। इसके बाद में हम देखते हैं नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। चलिए बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता की। जैसे कि हम किसी दूर पर रखी हुई वस्तु को साफ देख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब जो है वो हमारे रेटिना पर बन सकता है, परंतु यदि कोई वस्तु जब हमारे आंखों के या नेत्र के जस्ट पास में हो या अधिक पास में आ जाए तो हमारा जो नेत्र लेंस है उसकी मांसपेशियों में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से सुने, जब वस्तु सामान्य अवस्था में, नेत्र की सामान्य अवस्था में दूर रखी हुई वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, परंतु जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के पास हो जाए या नेत्र के ज़्यादा ही समीप रखी जाए तब हमारे नेत्र लेंस में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये जो नेत्र लेंस है उसकी मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से नेत्र लेंस के बीच वाला जो भाग है ये वो मोटा हो जाता है। जैसे हम किसी वस्तु को पास से देखते हैं तो हमारे नेत्र का जो बीच वाला जो भाग है लेंस का वो अधिक मोटा हो जाता है, जिसके कारण से उस वस्तु या बिंब की फोकस दूरी है वो कम हो जाती है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर पुनः बन जाता है, जिसके कारण से हम उसे डबल या दो बार देख सकते हैं। इसी लेंस नेत्र की या नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये है नेत्र की समंजन क्षमता। जब कोई वस्तु दूर है तो उसका साफ प्रतिबिंब बनता है जो हम आसानी से देख सकते हैं, परंतु जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के आंखों के जस्ट पास में हो, ज़्यादा नज़दीक हो, तो हमारे नेत्र लेंस की मांसपेशियों में एक तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण से नेत्र लेंस का बीच वाला जो भाग है वो फूल जाता है या मोटा हो जाता है, जिसके कारण से उसका पुनः प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और हम उस वस्तु को देख सकते हैं। इस प्रकार उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और यही फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। बात करते हैं नेत्र के निकटतम और अधिकतम बिंदु को। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु की दूरी जो होती है वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी हुई वस्तु को साफ देख सकता है। उससे यदि पास में और लाए तो वो डबल या दो या साफ नहीं देख पाता है। तो निकटतम बिंदु जो होता है उसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम बिंदु जो होता है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनंत होता है, अर्थात अनंत दूरी पर भी रखी हुई वस्तु को वो देख सकता है। ये फिक्स नहीं होता, उम्र के साथ घटता बढ़ता भी है और किसी कोई दुर्घटना के कारण भी खराब हो सकता है बिंदु, यानी दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो निकटतम बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर और अधिकतम बिंदु का मान जो होता है वो अनंत दूरी पर होता है। तो ये था आज का हमारा विषय, मानव नेत्र और मानव नेत्र से संबंधित नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। उम्मीद है समझ आया होगा। स्किप ना करें, पूरा देखें। यदि समझ आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें
और यदि नहीं समझ आए तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं नौवें पाठ के ही कुछ और विषयों के साथ एक नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।